दोस्तों नमस्कार। अभी हम हमारे गांव में एक हिडन ब्यूटी आप कह सकते हैं वहां पर जा रहे हैं और जगह का नाम है त्रिकुटी और आपको ले जाएंगे घुमाने के लिए, तो आ जाइए हमारे साथ। रास्ते में चलते चलते हम एक ऊंचे पहाड़ पर भी पहुंच चुके हैं और यहां से हमारे गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो थोड़ा सोचा कि आपको भी यहां से नज़ारा दिखा देता हूं मैं यहां के हमारे गांव का। और उधर सामने जो आप देख पा रहे हैं वहां पर पीछे की तरफ उधर सिक्स सेंस फोर्ट होटल है। और यहीं से आपको चौथ माता के दर्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर से बड़ा ही शानदार लग रहा है चौथ माता का मंदिर और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बरसात और आ सकती है। मेरे साथ में यहाँ पर नफीस भी है और सतपाल भी है। आज MD उपलब्ध नहीं था तो वो नहीं आ सका, लेकिन हम आए हैं घूमने के लिए। तो जैसे यहाँ पर पहुँचे बरसात शुरू हो गई है और मूसलाधार तो नहीं है लेकिन अच्छी बरसात है, मतलब कुल मिलाकर आप देख सकते हैं भीग गए हैं पूरी तरह से। घूमते घूमते अभी तक हम घूम ही रहे हैं लेकिन अभी हमें त्रिकुटी का रास्ता नहीं मिल सका। ऐसा इसलिए हो गया आज हमारे साथ में क्योंकि आज हमने क्या किया कि एक नया रास्ता पकड़ा था क्योंकि बरसात उधर ज़्यादा थी, उधर पानी भरा हुआ था, तो इसलिए अब अलग रास्ता लिया है। लेकिन अभी तक क्या है कि कांटे के झाड़ बहुत ज़्यादा हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। और उधर से त्रिकुटी जाने का रास्ता है लेकिन अब देखते हैं कि कितनी देर में पहुँच पाएंगे। देखिए अब जो है वो त्रिकुटी वाला रास्ता हमें मिल गया है और ये जो पानी देख रहे हैं सामने ये हमें त्रिकुटी तक पहुंचा देगा। बहते हुए पानी को हमें पकड़ के रखना है, पानी की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये देखिए ये पानी हमें त्रिकुटी तक पहुंचा देगा। पर आखिरकार जो है वो रास्ता मिल गया है, इसी रास्ते पर आगे जाने के बाद में त्रिकुटी आएगा और यहाँ पर आनंद लेना शुरू हो चुका है बरसात का। फिर से बरसात आ गई है तो ये जो इधर से आ रहा ना पानी ये है त्रिकुटी जगह। और हमारे गांव में भी बहुत सारी हिडन ब्यूटीज़ हैं, वहाँ पर एक झरना चलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन क्योंकि इस बार बरसात नहीं हुई थी और इस बार काफ़ी हमारी इच्छा थी एक एडवेंचर करने की और मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरी रात बरसात हुई उसके बाद में यह मौका मिला है। तो देखिए फिर पीछे आप देख सकते हैं बरसात जैसे जैसे तेज हो रही है पानी बढ़ता जा रहा है लगातार। ये आप देखिए ये बरवड़ा ही है और देखिए पूरे पहाड़ इस वक्त झर रहे हैं। देखिए हर जगह से पानी जो है लगातार आ रहा है और सतपाल और नफीस वहाँ पर पहुँच गए हैं सामने। बरसात है ना बहुत ज़्यादा तेज है, मूसलाधार बरसात है इस वक्त यहाँ पर और ये पूरा पानी माता जी के तालाब में जा रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ पर हैं और वहाँ पर मोरी लग गई हो। गजब का माहौल है वहां पर, आप सामने देख सकते हैं हर तरफ झरने झरने आ रहे हैं और बहुत ही शानदार वाला मौसम हो गया है। और अब बिल्कुल त्रिकुटी के पास पहुंच गए हैं और ये सोचा था कि अब बरसात रुक जाएगी लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं सामने, फिर से देखिए आप बहुत तेज घटा एक बार फिर आ गई है, काली काली घटाएं। तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत ही तेज बरसात होगी और लगातार होगी। देखिए आप पानी अभी भी भयंकर बह रहा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना झरना, एक झरना दो झरना
और एक और झरना ऊपर है, ऊपर वाले झरने को त्रिकुटी का झरना बोलते हैं, बड़ा झरना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये त्रिकुटी का झरना एक बार आ गया है। तो दोस्तों आपने देखा, ये था त्रिकुटी का झरना, और अभी अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और पूरा लोकेशन मतलब कुल मिलाकर बात करें तो बहुत ही मज़ेदार था। और फिर पीछे एक बार देख सकते हैं आप, घटा आ गई है। ये लगातार पांचवी छठी बार बरसात हो रही है जब से हम यहाँ पर आए हैं, तब से लेकर अब तक। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा गांव है चौथ का बरवाड़ा, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो चौथ माता का मंदिर है। वीडियो यहीं तक था, उसके बाद में थोड़ा सा मेरी क्लास का समय हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा 4:15 बजे, और अभी लगभग 3:20 हुए हैं। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन क्लास में जाना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।